हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में मेरा एक बहुत ही स्वीट व्यूअर है, उसका क्वेश्चन आया था कि लेटिंग गो और गिविंग अप में क्या फर्क होता है। तो क्या लेटिंग गो और गिविंग अप सेम होता है? तो जो लेटिंग गो होता है वो चीज़ होती है, बहुत ही एक एम्पावरिंग स्टेट होता है लेटिंग गो करना। ये हम जब लेट गो करते हैं तब हम वो चीज़ के ऊपर सरेंडर कर लेते हैं, फिर हम उसके आउटकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं जब हम लेट गो कर रहे हैं किसी चीज़ को। और जब हम गिव अप कर लेते हैं तो एक बहुत ही लो एनर्जी होती है उसकी। जब हम कहते हैं कि हमने गिव अप कर लिया, तो आप देख सकते हो आपका सेल्फ टॉक किस तरह से चलता है। जब अक्सर हम गिव अप कर लेते हैं तो हम अक्सर वो सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, अपने आप को सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं, हम अपने आप को वो डिजर्विंग और वर्दी नहीं मानते हैं। तो जब हम गिव अप कर रहे हैं मतलब हम हार मान रहे हैं किसी चीज़ से, और जब हम लेट गो कर रहे हैं तो हम डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं कि जब टाइम पर वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी है तब हमारी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। और हम बिल्कुल भी वो नीडी और वांट वाली प्लेस पे नहीं होते जब हम लेट गो करते हैं, सरेंडर कर लेते हैं, हम वो एक्सपेक्टेशंस रिलीज करते हैं। आपने एक्सपेक्टेशंस देखा होगा, हम अक्सर लोगों से जब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी चीज़ के ऊपर, एक्सपेक्टेशन रखते हैं या किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा, जब हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं तब वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरे नहीं होते हैं तब फिर वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, हम उदास हो जाते हैं कि हमने तो ये सोचा था, वो इंसान ने ये एक्सपेक्टेशंस हमारे पूरे नहीं किए, हम डिसअपॉइंटमेंट चले जाते हैं। अब जब भी डिसअपॉइंटमेंट आता है फिर हम ब्लेम करने लगते हैं। तो ये एक साइकिल अक्सर चलता है कि एक्सपेक्टेशंस आए, फिर एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए, फिर डिसअपॉइंटमेंट आया, फिर डिसअपॉइंटमेंट आया तो हमने सीधा ब्लेम कर लिया, तो हम अपने आप को ब्लेम करेंगे या तो दूसरे इंसान को ब्लेम करेंगे। तो ये साइकिल्स में जो हम पड़े रहते हैं, जब हम लेट गो करते हैं तो ये साइकिल से हम रिलीज हो रहे हैं, हम वो अब सारे एक्सपेक्टेशन से रिलीज हो रहे हैं, और फिर हम वो एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं और वो डिवाइन को हम सरेंडर कर लेते हैं अपने आप को। कि जब जो टाइम पर वो डिवाइन टाइम पर वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी है तब वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, और अगर आपके लिए वो सही है वो तब मैनिफेस्ट होगी, अगर वो आपके लिए हायर गुड के लिए नहीं है तो वो लाइफ आपके मैनिफेस्ट नहीं होगी और उसके लिए भी आप ओके रहोगे। तो इस तरह से वो लेट गो वाली स्पेस रहती है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर लेते हो और उस आउटकम से डिटैच हो जाते हो, और ये एक आसान स्टेट नहीं होती है, ये ग्रेजुअली आपकी ये स्टेट आती है। जबकि जो गिविंग अप होता है वो बहुत ही लो एनर्जी होता है। जब हम गिव अप कर रहे हैं मतलब हम ये अक्सर कहीं ना कहीं हमारे जो वूंड्स होते हैं, जब हम अपने आप को वर्दी नहीं मानते हैं, जब हम अपने आप को फेलियर समझते हैं, वो जो फियर्स होते हैं हमारे, फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा हमारा, या फिर जब हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते किसी चीज़ का, गिल्ट होता है अपने अंदर किसी चीज़ को पाने का भी, तो ये सब जब हम लोअर स्टेट में होते हैं तब हम गिव अप कर लेते हैं। तो ये जो गिव अप वाला स्टेट होता है वो बिल्कुल भी आपको लो स्टेट में लेकर जाता है, जब आप एक विक्टिमहुड में, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हो और अपने आप को ब्लेम करने लगते हो और अपनी सिचुएशन को ब्लेम करने लगते हो। तो उस चीज़ से अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहेंगे तो वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट होगी नहीं आपके लाइफ में, जब आप गिव अप वाले एनर्जीज में हो, जब आप वो डिजर्विंग अपने आप को नहीं मानते हो कि इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में पा सकते हो। तो गिव अप वाली एनर्जीज में हमें नहीं रहना है, हमें लेट गो करना, लेटिंग गो करना सीखना है, वो सरेंडर स्पेस में रहना है अगर आपको कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, और फिर आपको उस डिवाइन के हाथ में छोड़ना है वो चीज़ों को। तो इस तरह से वो डिटैचमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सरेंडर स्पेस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम गिविंग अप करते हैं तो हमारा एक सेल्फ टॉक चेंज हो जाता है, हम अपने आप को वो नेगेटिव चीज़ें बोलने लग जाते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में हम चले जाते हैं। जबकि हम जब लेटिंग गो करते हैं तो हम सरेंडर स्पेस में रहते हैं, जो हम हाई एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों। सो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।